प्यारे बच्चे चलिए चलते हैं हम लोग मैथ्स पढ़ाने। 10th क्लास की एनसीईआरटी बुक से हम लोग मैथ्स पढ़ना शुरू करेंगे। जैसा कि जानते हैं पिछले क्लास में पिछले वीडियो में हम लोग 4.1 से शुरू किए हैं और 4.1 का जो पहला में जो 8 क्वेश्चंस था उस 8 क्वेश्चन में से हम 3 क्वेश्चन बताए हुए थे और 5 क्वेश्चन आपको बनाने के लिए दिए हुए थे और बहुत सारे छात्र बनाकर इसे भेजे हैं। और जो लोगों की गलती हुई है या जो लोग नहीं बनाए हैं तो जो बनाया हुआ सही आंसर है जिसको हम करेक्ट बोल रहे हैं आप प्लीज उनका किया हुआ सही है तो आप उन्हीं चीजों को समझिए, उन्हीं चीजों को नोट डाउन कीजिए अपने कॉपी में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 10th क्लास की एक्सरसाइज 4.1 बुक है एनसीईआरटी। इस बुक को हम लोग फॉलो कर रहे हैं और 4.1 में जैसा कि पहला का सभी क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे अब आइए आते हैं पहले छात्रों दूसरा से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जब आपके पास बुक है मैथ्स का तो आप जरूर से जरूर इस वीडियो को देखते समय पढ़ते समय आप जरूर बुक को सामने रखिए ताकि यहाँ पे जो लिखा हुआ क्वेश्चंस है वो तो हम नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ बोल के समझाएंगे। तो आपके सामने अगर क्वेश्चंस रहेगा तो आप उनको पढ़िएगा समझिएगा तो ज्यादा समझ आएगा। दूसरा में बोल रहे हैं निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। प्यारे छात्रों जैसे कि अभी हम लोग को पहला में जितना 8 का 8 सवाल दिया हुआ था प्यारे बच्चों वो जो क्वेश्चन था ना वो हमें द्विघात समीकरण पहचानने के लिए बोला जा रहा था। लेकिन इस बार क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं ना कि आप द्विघात समीकरण बनाओ, वो कुछ लैंग्वेज में बोल रखा है, कुछ सवाल बोल रहे हैं उसको पढ़ना है और उसको पढ़कर आपको समझना है कि इसको द्विघात समीकरण कैसे बनाया जाए। यानी कि दूसरा में टोटल 4 क्वेश्चन है और 4 क्वेश्चन को पढ़ना है और हमें द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। तो दूसरा का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा समझिए। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है मतलब कि क्यारी है, ठीक है। तो आयताकार भूखंड है तो हम इसको आयत बना ही लेते हैं। एक आयताकार भूखंड है, ठीक है, एक आयताकार भूखंड हो गया। इसी का हमें क्षेत्रफल दिया है प्यारे बच्चों, कितना दिया है क्षेत्रफल तो 528 मीटर स्क्वायर। अब इसका क्षेत्रफल दिया है, ठीक है। अब बोल रहा है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। प्यारे बच्चे समझिएगा यहां पे तो सबसे पहले बोला कि एक आयताकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कोई भी आयत में प्यारे बच्चे लंबाई भी होता है यहां से यहां तक और चौड़ाई भी होता है। यानी कि कोई भी तरह का आयत हो लंबाई और चौड़ाई तो होना जरूरी ही जरूरी है। तो सवाल ये बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि चौड़ाई जितना भी रहेगा लंबाई क्या है तो दोगुना से, कितना ज्यादा बोल रहे दोगुने से एक अधिक है। प्यारे बच्चे यहां पे ये बोल रहा है तो सबसे पहले यहां पे कुछ मानना पड़ेगा, लिखिएगा उसके नीचे माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x। अब यहां पे थोड़ा सा प्यारे बच्चे यहां पे आप कुछ भी मान सकते हैं, x मान सकते हैं, p मान सकते हैं, y मान सकते हैं, z मान सकते हैं, वो आप पे निर्भर करता है कि आपको क्या अच्छा लगता है आप क्या मानेंगे। अक्सर मैथमेटिक्स में हमेशा अननोन वैल्यू को x ही माना जाता है तो हम यहाँ पे x मान लिए। अब आपकी इच्छा है y तो आंसर जो बनेगा वो y में बनेगा, यानी कि जो आप मानेंगे x में मानेंगे तो x में आंसर आएगा, y में मानेंगे तो y में आंसर आएगा। तो प्यारे बच्चे हम लोग यहाँ पे आंसर को देखना नहीं है, आप लोगों को किसी भी आंसर तो कुछ भी हो सकता है, आंसर हो सकता है t मान के बनाएगा तो उसका आंसर t में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितना है x मीटर मान लिया क्योंकि सवाल बोल रहा है मीटर में, इसलिए लंबाई इसका क्या होगा। जब हम चौड़ाई मान लिए x मीटर तो लंबाई के बारे में सवाल बोल रहा था कि दोगुना से एक अधिक है तो जब x का दोगुना करेंगे तो बनेगा 2x, बनेगा और दोगुना से एक ज्यादा हो गया तो कितना हो गया लंबाई 2x प्लस 1। यानी प्यारे बच्चे लंबाई जो हो गया
टू एक्स प्लस वन हो गया और जो चौड़ाई हो गया वो हम खुद माने हुए एक्स। तो अब जब हमको लंबाई और चौड़ाई पता चल गया और सवाल में बोल रहा है कि क्षेत्रफल कितना 528 मीटर स्क्वायर, तो अब लिखेंगे उसके नीचे प्रश्न से आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है सवाल में 528। और आयताकार का क्षेत्रफल पता है ना होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई बराबर कितना 528। अब हमको पता है कि आयताकार का लंबाई कितना, तो लंबाई के जगह पे रख देंगे 2x + 1 और चौड़ाई के जगह पे रख देंगे प्यारे बच्चे x। तो चलिए आगे हम लोग करते हैं, तो आगे कुछ इस तरीके का होगा, लंबाई हम लोग यहां नीचे लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 5 to 8 आया, तो लंबाई के जगह पे लिख देंगे 2x + 1 और चौड़ाई के जगह पे प्यारे बच्चों x रख देंगे और बराबर 528। अब जरा क्या करना है, 2x को बारी बारी से x से गुना करेंगे तो 2x को x से कितना हो गया 2x² अब 1 को x से करिए तो ये हो जाएगा x बराबर 528। हमेशा ऑलरेडी अगर समीकरण निकालना है तो इस 528 को जब बाएं तरफ लाएंगे प्यारे बच्चे यहां पे प्लस है, तो यहां पे अगर बाएं तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो इसलिए जो समीकरण आएगा प्लस एक्स माइनस 528 बराबर 0। तो प्यारे बच्चे ये हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि सवाल क्या बोल रहा था कि आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है और द्विघात समीकरण लाके छोड़ देना है, उसको कुछ नहीं करना है, बस आपको सवाल पढ़ना है और कुछ अपने से मानना है और उसको जैसे जैसे सवाल बोल रहा है, अगर क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगाएंगे और आगे की क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या बोला जा रहा है, तो जैसा क्वेश्चन बोलेगा आपको उसको फॉलो करके और द्विघात समीकरण के जैसा ला देना है। अब प्यारे बच्चों हो सकता है कि ये बुक का आंसर नहीं मिले, क्यों, क्योंकि वो बुक एक्स न मान के पी माना होगा, एक्स न मान के टी माना होगा, तो कुछ नहीं, अगर बुक अगर पी मानेगा तो यहां आंसर आता है 2p² + x - 528 = 0। मतलब प्यारे बच्चे कि आपको कुछ भी मानना है अपने तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बसरते जो कुछ भी मानेगा, अगर हम पी मानते तो यहाँ एक्स के जगह पे पी खाली आ जाता, यानी कि आंसर अगर मान लिया जाए कि हम शुरू में टी मानते तो यहाँ हो जाता 2t² एक्स के जगह पे टी प्लस टी माइनस 528। यानी कि आपकी जो इच्छा है वो मानिए, आंसर पे नहीं जाना है। चलिए तो इस तरीके से अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चे, अगर आपको स्लो मोशन देखना होगा इसका, इस वीडियो का, तो बिल्कुल जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो बारी बारी से मिटाते जा रहे हैं, क्योंकि क्लास तो है नहीं कि बस हाँ लिख दिया अब आप इसको छापते रहो, इसको लिखो तब तक हम वेट करते हैं, ऐसा नहीं है, आप वीडियो को पॉज कर दे, रोक दे और फिर आप उतना लिख ले फिर आगे की वीडियोस को चालू करें। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं 4.1 का दूसरा का पहला क्वेश्चन हो गया, आप जरा दूसरा समझते हैं प्यारे बच्चे, आपके पास किताब होना चाहिए सामने, क्योंकि हम यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, ज्यादा टाइम लगेगा, वीडियो का टाइमिंग बढ़ेगा और साथ साथ उसके लिए थोड़ा सा ज्यादा MB भी खत्म होता है और बहुत सारी वीडियोज अपलोड करनी पड़ती है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। प्यारे बच्चों क्रमागत का मतलब होता है लगातार, याद रखिएगा क्रमागत का मतलब क्या होता है, लगातार होता है, लगातार, यानी कि सवाल में कहीं क्रमागत लिखा रहे तो आपको क्या समझना है बच्चे, लगातार समझना है। क्या बोल रहा है कि दो पूर्णांक जो है क्रमागत है, क्रमागत का मतलब क्या बच्चे, लगातार, और लगातार जब कभी भी अगर हम आपको बोलेगी कि लगातार गिनती गिनो, ठीक है, गिनती की संख्या को लगातार गिनो, तो तुम कैसे गिनोगे बाबू, दो से शुरू तो नहीं करोगे, एक से शुरू करोगे, तो एक के बाद लगातार क्या होता है, लगातार का मतलब तुरंत बाद, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच, ये लगातार हुआ। अगर हम बोले कि चार के बाद क्या होगा लगातार, तो आप चार के बाद छह नहीं बताएंगे, चार के बाद पांच बताएंगे, यानी लगातार का मतलब प्यारे बच्चे क्या होता है,
एक जोड़ना होता है। जरा एक और हम क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, हम बोलेंगे कि लगातार सम संख्या बताना है कि चार के बाद क्या होगा, तो चार के बाद लगातार सम संख्या पांच नहीं, वहां पे दो ऐड करना होगा प्यारे बच्चे, क्योंकि सम लाना है, ठीक है। तो यहां पे आपको थोड़ा सा ये मैथ्स पढ़ रहे हैं आप तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि लगातार का तो मतलब होता है तुरंत आगे, ठीक है। लगातार का मतलब कौन सी, तुरंत आगे, उसके बाद, तुरंत का बाद। लेकिन अब तुरंत का बाद किस कंडीशन में, एक जोड़ना है कि दो जोड़ना है, उस सवाल पे डिपेंड करेगा कि वो कौन सी संख्या बोल रहा है। अगर हम बोलेंगे कि लगातार संख्या बताइए सम संख्या, तो अब हमेशा एक नहीं जोड़ना है, वहां पे दो जोड़ना है, क्यों, हमेशा दो का ऐड करते हैं ना तब लगातार आता है। तो यहां पे बोला है लगातार पूर्णांक संख्या प्यारे बच्चे, तो जहां भी अगर पूर्णांक संख्या मिले हमेशा एक जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। हम बोलेंगे कि चार के बाद लगातार पूर्णांक कितना होगा, तो चार के बाद लगातार पूर्णांक संख्या पांच होगा, यानी कि इस केस में पूर्णांक में वन जोड़ा जाता है। तो इसको आंसर लिखना पड़ेगा, माना कि पहली संख्या, क्योंकि यहां पे दो संख्या है, पहली संख्या नहीं पता है, तो पहली संख्या को प्यारे बच्चे अब की एक समय मान के वाई मानते हैं। जब पहली संख्या वाई हो गया, इसलिए अगली संख्या, अगली को ही हम बोल रहे हैं दूसरी संख्या, अगली का मतलब दूसरी संख्या। अब दूसरी संख्या क्या होगा बच्चे, तो यहां पे बोल रहा है क्रमागत, यानी कि लगातार, लगातार का मतलब पूर्णांक, लगातार पूर्णांक बोल रहा है, इसलिए हम यहां पे y माने हैं, तो यहां पे हम y प्लस वन कर दिए। अब फिर प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न से पढ़िए, प्रश्न से ये बोल रहा है कि जब ये पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों को प्यारे बच्चे गुणनफल किया जाए तो 306 आता है। कितना आता है, 306 आता है, यानी कि इसको और इसको गुना करना है, तो y गुने y प्लस एक बराबर 306। अब इसको बढ़िया से गुना करके और द्विघात समीकरण में छोड़ देना है, वही आंसर हो जाएगा। तो y को y से गुना कीजिए, कितना आएगा प्यारे बच्चे, y स्क्वायर। अब y को 1 से गुना कीजिए, बनेगा y बराबर 306। यहां पे हम इसको क्या बोले हैं कि इधर कुछ रहेगा तो उसको बाएं तरफ ले आएंगे, तो यहां प्लस है प्यारे बच्चे, इधर आएगा तो माइनस, वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 306 बराबर जीरो। अब जब द्विघात समीकरण आ गया तो यहीं पे आंसर छोड़ देंगे। अब हम इसको वाई माने हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं, जैसे कि पहले क्वेश्चन में हम लोग बताए हैं। चलिए अब आगे दूसरा का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग सीरियली, जो क्वेश्चन अगर हम खुद, हमें पता चल जाएगा कि जो क्वेश्चन बच्चों को प्रॉब्लम होगा हम लगातार सॉल्व करेंगे, और मैथ्स में अगर एक ही टाइप का क्वेश्चन जो होगा, एक ही जैसा क्वेश्चन रहेगा, उसको हम सॉल्व करते चलेंगे। तो चलिए दूसरा का अब तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा का तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें, जरा सुनिए। रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष के बाद 360 हो जाएगा, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, ठीक है। तो अब जिसकी भी ज्ञात करनी है, रोहन का ज्ञात करनी है चाहे रोहन की मां का ज्ञात करनी है, यहां पे तो दो लोग हैं, समझिए अच्छे से, एक रोहन है और एक रोहन की मां है। अब हमको रोहन की, रोहन का नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि जितना रोहन है ना, रोहन के मां जो है रोहन से 26 साल बड़ी है, ठीक है। अब मान लिया प्यारे बच्चे कि रोहन, अगर मान लिया लिया जाता कि अभी तुरंत तुरंत पैदा लिया है, तो मां उसकी 26 साल होगी, रोहन का 1 साल, तो रोहन का मां का कितना साल, 27 साल प्यारे बच्चे, क्योंकि इससे कितना साल बड़ी है, 26 साल बड़ी है। अगर रोहन 5 साल, तो रोहन की मां 26 प्लस 5, समझ में आ रहा है। यानी कि सवाल बोल रहा है कि रोहन की मां जो है उससे, यानी कि रोहन से 26 साल ज्यादा है। तो अगर हम मान लेते हैं कि माना कि रोहन की वर्तमान आयु, वर्तमान का मतलब अभी, आयु मतलब कितना बरस के है, तो मान लेते हैं पी बरस, ठीक है। अब हम कुछ भी मान सकते हैं, इसलिए आपको विश्वास दिला रहे हैं कि यहां पे हम अलग अलग भी मान सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अच्छा हम पी वर्ष मान लिए, तो इसलिए बोल सकते हैं कि रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु। तो अब जब रोहन का पी है प्यारे बच्चे, तो रोहन की माँ का कितना होगा? तो रोहन की माँ तो 26 साल बड़ी है, तो हम इसीलिए इसमें क्या करेंगे, पी प्लस 26 जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए अब सवाल एक और चीज बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि तीन साल के बाद रोहन और रोहन की माँ को गुना करा देना है। तीन साल के बाद, अभी नहीं, ये तो अभी अभी का अनुमान है। वर्तमान का मतलब होता है तुरंत, करंट में। तो वर्तमान में हम पी माने हैं, लेकिन सवाल क्या बोल रहा है कि रोहन और रोहन की माँ को तब गुना करो, कब? जब तीन साल के बाद। यहां तो अभी वर्तमान का नाम लिखे हैं, इसलिए अब क्या करना पड़ेगा, तीन वर्ष बाद रोहन की आयु, रोहन की आयु। तेरे बच्चे यहां पे देखिए, हम रोहन का वर्तमान आयु अभी पी निकाले हैं, ठीक है। अब तीन वर्ष के बाद अगर रोहन की आयु अगर निकालने के लिए बोलेगा, तो हम क्या करेंगे, पी में तीन साल जोड़ देंगे, तीन वर्ष हो जाएगा, क्योंकि पी रोहन अभी पी साल का है। तीन वर्ष के बाद देखिए, अब हम कैसे पता चला कि तीन वर्ष बाद सर कहां से ला रहे हैं आप? तो सवाल बोला, सवाल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि रोहन और रोहन के माँ को गुना करना है, तब ना आएगा कितना बोल रहे हैं 360। यानी सवाल बोल रहा है कि रोहन और रोहन की माँ को गुना करने पर 360 आना चाहिए। तो रोहन की माँ और रोहन रोहन को गुना करने पर 360 आना चाहिए, कब? तीन तीन साल के बाद। यानी रोहन भी तीन साल बढ़ा दो और रोहन की माँ को भी तीन साल बढ़ा दो, तब गुना करो। तो तीन वर्ष के बाद रोहन की आयु पी प्लस तीन बढ़ जाएगा, और तीन वर्ष बाद रोहन की माँ का आयु। देखिए अब रोहन की माँ में भी तीन साल जोड़ना है ज्यादा, पहले से कितना था पी प्लस 26, और फिर तीन साल के बाद यानी कि तीन और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, पी प्लस इसको इसको एक जाति के है तो 26 और 3 29 साल। अब सवाल कुछ ही बोल रहा है, तो अब लिखेंगे प्रश्न यही बोल रहा था कि तीन वर्ष के बाद रोहन वाला और तीन वर्ष के बाद रोहन की माँ वाला को गुना करिए, और तब आएगा 360। तो यहाँ पे P प्लस 3 को गुना करना है कितना से, P प्लस 29 से। ठीक है प्यारे बच्चे, अब ये कितना आएगा तो 360। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से गुना करा लेंगे, और मुझे विश्वास है कि आप इसको गुना करा लीजिए और इसको इधर ला लीजिए, और फिर जब इसको इधर लाएंगे तो इधर कुछ नहीं बचेगा, जीरो बचेगा, और द्विघात समीकरण में लाके बस आंसर को छोड़ देना है। तो यहीं तक हम आपको ला के छोड़ देते हैं, इसके बाद का क्रिया आपको खुद से करना है। पी को पी से गुना कीजिएगा, इस पी को फिर 29 से गुना कीजिएगा, तीन को पी से गुना कीजिएगा, तीन को 29 से गुना कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डबल डबल का गुना है। तो डबल डबल का गुना कैसे करते हैं प्यारे बच्चों, एक ही के साथ दोनों को कराते हैं, फिर दूसरे के साथ भी दोनों को कराते हैं। एक जाति का रहेगा तो उसको जोड़ दीजिएगा, क्योंकि एक साथी के साथ ही, एक जाति के साथ ही जोड़ घटाओ की क्रिया होता है। चलिए तो अब हम लोग रोहन वाला केस सीख लिए, अब चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरा का चौथा सवाल। दूसरा का प्यारे बच्चे जो चौथा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उस दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लगता, हमें रेलगाड़ी का चाल ज्ञात करना है। चलिए प्यारे बच्चे आप खुद समझिए, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बराबर चाल बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये सब तीनों जो फार्मूला है ना, ये आपको याद रहना चाहिए। हालांकि ये सब क्वेश्चन जो है हम लोग पहले पढ़े रहते हैं,
जरा जरा समझते हैं कि अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दूसरा का चौथा में क्वेश्चन बोल रहा है, एक रेलगाड़ी जो है 480 किलोमीटर की दूरी, यानी कि दूरी दे दिया प्यारे छात्रों, दूरी फिक्स है, दूरी कितना है फिक्स, यानी कि दूरी बराबर 480 किलोमीटर दिया हुआ है। फिर क्या बोल रहे हैं, अगर वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम से चलता तब 3 घंटा ज्यादा समय लगता। अब समझिए, जब दूरी दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है तो हम अपने से कुछ ना कुछ चाल मानना पड़ेगा। हम यहां पे मान लेंगे कि माना कि रेलगाड़ी का चाल कितना 1 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी दिया हुआ है सवाल में, चाल हम अपने से मान लिए कितना x। जब हम प्यारे छात्रों चाल को x मान लिए तब हमको समय कितना लगेगा, अब समय, अगर मान लिया कि चाल x होता तो अब समय का फॉर्मूला याद है ना, समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल, दूरी बटा चाल। तो अब कितना समय लगेगा, तो 480 बटा में चाल कितना x, ठीक है। ये कब होता, ये समय कब निकलता, जब चाल जो है x होता। लेकिन सवाल बोल रहा है नहीं, सवाल ये बोल रहा है कि यदि चाल को 8 से कम कर दिया जाए, यानी कि अब जो है चाल x रहता तब न जाके समय इतना लगता, समझ रहे हैं, जब चाल इतना रहता तब समय इतना होता। परंतु सवाल से, प्रश्न से क्या बोल रहा है, प्रश्न से बोल रहा है कि चाल कितना हो जाए, चाल जो है रेलगाड़ी का चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए। तो प्यारे बच्चों, जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए तो समझिए, पहले अगर रहता चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा चलता और फिर 2 अगर हम लोग कम कर देते तब कितना हो जाता, यानी कि उसमें से 2 घटा देते। उसी तरीके से अगर हम लोग 8 यहां कम करना है तब नया चाल कितना होगा, x-8 किलोमीटर प्रति घंटा। जब नया चाल ये होगा, क्यों, क्योंकि सवाल में प्रश्न से जब बोल रहा है कि चाल को आपको घटा देना है तब प्रश्न के अनुसार नया समय कितना होगा, यानी कि जब चाल इतना रहेगा तब समय कितना रहेगा। ये वाला समय कब था, जब चाल मेरा कितना था x था, जब चाल x होगा तब समय बराबर दूरी बटा चाल के जगह पे x। लेकिन चाल अगर x-8 हो गया प्यारे बच्चों, तब हम लोग यहां पे समय बराबर फिर से दूरी बटा चाल, और दूरी बटा चाल का मतलब दूरी तो वही रहेगा, दूरी तो सब सवाल के लिए दोनों कंडीशन के लिए एक है, लेकिन अब चाल कितना हो जाएगा x-8। अब क्या बोल रहा है कि ये इसमें जितना समय लग रहा है, आप चीजों को समझिए, इसमें जितना समय लग रहा है, इसमें जितना समय लग रहा है, दूगो हमारे पास समय है, एक ऊपर वाला कब, जब x से चलता तब, और ये वाला कब समय है, जब चाल जो है घट जाता तब। तब बोल रहा है कि 3 घंटा का समय अधिक लगता, यानी कि इन दोनों में अंतर बता रहा है कि कितना का इस समय और ये समय का अंतर कितना है, 3 घंटा। मतलब कि अब हम लोग ये बोल सकते हैं, पुनः प्रश्न से, फिर प्रश्न से ही चलेंगे दोबारा से, क्योंकि फिर प्रश्न ही बोल रहा है कि ये वाला का टाइम समय और ये वाला का समय में कितना का फर्क है, तो फर्क है 3 घंटे का। तो ये वाला समय कितना है प्यारे बच्चे, 480 बटा x-8 और माइनस इसका समय कितना है, 480 बटा x, और ये दोनों को घटाकर कितना सवाल बोल रहा है कि 3 घंटा आना चाहिए। अब आपके पास समीकरण हो गया, अब इतना चीज समझने के बाद इसको तोड़ना है, मोड़ना है, कुछ भी करना है, और करके
और आपको जो लाना है द्विघात समीकरण में कन्वर्ट कर देना है। यानी कि ये जो सवाल है इसको तोड़ उड़ के कैसहू द्विघात समीकरण में ला देना है। चलिए तो अब काम करना है, नीचे देख रहे हैं x माइनस आठ है और x है, तो इसको आप एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम कैसे लेंगे, x माइनस आठ और x एलसीएम हो जाएगा पहले बच्चे नीचे वाला का, और x माइनस आठ से x माइनस आठ कटेगा तो यहाँ x से ना बचेगा खाली, और इस x को फिर क्या करेंगे 480 से गुना करना होता है, और भिन्न का जोड़ घटाव है, अंतर बस एक ही गुना है कि यहाँ x फिक्स आ गया है, तो यहाँ 480 को x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 480x, फिर माइनस है तो माइनस। अब की बार में x जो है x से कट जाएगा तो क्या बचेगा x माइनस आठ, और इस x माइनस आठ को 480 से गुना करना है, यानी कि 480 x माइनस आठ और बराबर में कितना मेरे बच्चे 3। चलिए अब ऊपर के गुना कीजिए, 480 x माइनस 480 को x से गुना करेंगे तो 480 x अब माइनस माइनस प्लस कितना, तो ये हो जाएगा 0 88 64 की 4 हाथ में 6 अच्छो के 32 38, यानी कि इसको हम लोग बारी बारी से गुना कर लीजिए, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, बट्टे इस x को इस x से गुना कीजिए कितना होगा x स्क्वायर, इस 8 को x से हो जाएगा माइनस 8x बराबर में कितना 3। अब ये 480x प्लस में है, अब ये 480x जो है माइनस में है, तो ये दोनों कट जाएगा तो अब कौन सी बन जाएगा, तो 3840 ऊपर बच जाएगा, और हम लोग जानते हैं ना प्यारे बच्चे कि नीचे वाला जो चीज है वो कहाँ चला जाता है तिरछा तिरछी गुना में, तो ये 3 के साथ गुना में चला जाएगा, तो बराबर 3 गुने एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब क्या करना है, तो इसको हम लोग को गुना करना है। अब आप ये बताइए कि जब हम बोलेंगे कि राम जो है श्याम के बराबर है या फिर श्याम जो है राम के बराबर है, तो दोनों तो बतिया बराबर है ना हुआ, इसलिए आप इसको इधर रखिए चाहे इसको इधर रखिए बात तो बराबर है, मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाला मामला जो है पहले रख दीजिए बराबर में, इसको उधर रख दीजिए 3840। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, 3 से बारी बारी से गुना कीजिए, तो 3 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x² माइनस 3 को 8 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 24x, और ई वाला एन आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 3840 बराबर 0। प्यारे बच्चों अब तो हमको द्विघात समीकरण दिख गया, क्योंकि द्विघात समीकरण का मतलब होता है कि घात कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, तो घात 2 आ गया, तो यहां तक भी आंसर हम छोड़ सकते हैं, यहां तक भी आंसर कोई गलत नहीं होगा, नहीं तो फिर एक और काम कर सकते हैं, वो काम ऐसा है कि क्वेश्चन को देखने के बाद आपको ये पता लगना चाहिए कि इसमें इसमें और इसमें कॉमन क्या हो रहा है, तो 3 के पहाड़ा पढ़िए, 3 कॉमन कर लीजिए, तो 3 जैसे ही कॉमन कर लेंगे तो अंदर कौन सी बचेगा एक्स स्क्वायर, और 3 जैसे ही यहां से बाहर लिए हैं तो 3 8 24, तो यहां हो जाएगा 8x, और 3 जैसे ही इसमें से बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 × 3 × 3 = 6 और 1280 बराबर में कितना 0। प्यारे बच्चे अब जब जो यहाँ पे गुना रहता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कुछ नहीं साइन तो गुना, और गुना वाला कहाँ चला जाता है भागा में, इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0/3। तो इसलिए यहाँ पे हम आंसर ऐसा भी कर सकते हैं, ये भी आंसर कर सकते हैं, नहीं तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि हमको तो सवाल बोल रहा था द्विघात समीकरण में खाली ला दो, तो हम यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, तो देख लीजिए दोनों तरह का आंसर है, जो सटीक आंसर आपको लगता है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चे 4.1 एक्सरसाइज हम लोग पूरी तरीके से आज हम लोग खत्म कर लिए हैं। अगले क्लास में अगले वीडियोज में हम 4.2 शुरू करेंगे, लेकिन डायरेक्ट 4.2 शुरू नहीं करेंगे प्यारे छात्रों, 4.2 का सबसे पहले कुछ थ्योरी पढ़ेंगे, कुछ थ्योरी का मतलब यह हुआ कि 4.2 के पहले
जो जो चीज जानने के लिए जरूरी होगा, यानी कि उसको जानने के बाद 4.2 जो है आसानी से आप सीख सकते हैं, इसीलिए हम 4.2 से पहले आपको वो सब चीज का जानकारी दे देंगे और फिर आपको 4.2 में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसीलिए आज की क्लास को यहीं तक खत्म करते हैं और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।